टीवी पर जल्द ही आने वाला है एक नया शो जिसका नाम है मेरा बलमा थानेदार चलाए जिप्सी। नो, चलाए जिप्सी वाज दैट सॉन्ग जो पीछे आया था। द सीरियल इज मेरा बलमा थानेदार। अब इस सीरियल की कहानी बड़ी मजेदार है। एक सरकारी मुलाजिम है जिसने एक अंडर एज लड़की से शादी कर ली है। ले, ये हो सकता है क्या? बट खैर, हो गया है। तो ऐसा करते हैं, आज श्रुति चौधरी से करते हैं मुलाकात और वो अपने आने वाले इस शो के बारे में तो बताएंगी, साथ ही वो अपने बलमा थाने दार से इस शो में जो है उनसे भी मुलाकात कराएंगी। दिस इज श्रुति चौधरी और आज मैं कर रही हूँ मेरा डे आउट विद सास बहू एंड साजिश। मेरे घर में जो भी आए पहले इनका आशीर्वाद ले और फिर हमारे घर पे आए, और वहाँ पर है साई बाबा की मूर्ति जो आते ही हमें दिखती है, पहले ये और ये। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ है हमारा शू रैक और ये है मेरी और मेरी एल्डर सिस की पिक, और ये है लाफिंग बुद्धा ताकि हमारे घर पे जो कोई भी आए हंसते हंसते जाए। और ये है मेरा सोफ़ा जहाँ पे मैं बैठती हूँ और मैं टीवी देखती हूँ, और जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं मोस्टली यहीं रहती हूँ इसी कॉर्नर में घर के। मैं बुक भी यहीं रीड करती हूँ, मेरा फेवरेट प्लेस ही है, मतलब कम्फर्ट जोन है ये मेरा। यहाँ है ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं यहाँ कुछ, तो ये हमारा मंदिर। यहाँ पे सबसे पहले गणपति पापा की फ़ोटो है क्योंकि वो मेरे फेवरेट है, गणपति पापा और शिव जी, तो उनकी फ़ोटो रखी है यहाँ पे। काफ़ी सारे भगवान रखे हुए हैं हमने। ये बुर्ज खलीफा है जो मेरे पापा दुबई से लेकर आए थे, मुझे यहाँ भी जाना है। मैं जा नहीं पा रही हूँ अभी बिजी स्केड्यूल के कारण, लेकिन मैं ज़रूर जाऊँगी। आईफिल टावर रखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे मैं जाऊँगी एक दिन ज़रूर। पपेट्स जो हम राजस्थान से लेकर आए थे जब मेरा शूट चल रहा था मेरा बालम का ही, राजस्थान में पुष्कर से हम ये लेकर आए थे और ये मैंने चॉइस किया था। तो यस, ये काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि ये मेरे पहले आउटडोर का पहला ऐसी चीज़ है जो मैंने ख़रीदी थी। ये है मेरा बेडरूम, यहाँ पर एक पेंटिंग लगी हुई है, यहाँ पे मैंने रखे हैं कुछ पॉजिटिव थाट्स, थिंक बिग, ड्रीम बिग, बिलीव बिग एंड द रिजल्ट्स विल बी बिग। सरस्वती माता की मूर्ति बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट एज वेल, अभी मैं 10th में हूँ तो इनकी तो बहुत ज़रूरत है इनके ब्लेसिंग्स की, तो ये भी रहती है मेरे रूम में, मम्मा ने लगाया है इसको। तो ये है मेरा बेड और ये है मेरी शार्क, इसके बिना मैं नहीं सोती हूँ नो मैटर व्हाट। ये मेरे पापा लेकर आए थे और उसके बाद से मुझे इसकी ऐसी आदत है कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं कहीं भी जाती हूँ तो ये मेरे साथ ही होता है और मैं इसके साथ ही सोती हूँ। उनकी फ़ोटो है, तो जब उनका फ़ोटो शूट हुआ था और मेरा नहीं हुआ था तो आई वाज लाइक कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मुझे भी चाहिए मेरा खुद का फ़ोटो, तब जाके ये फ़ोटो शूट हुआ है बहुत ज़्यादा बोलने के बाद।
बनाते हैं खाना, आपको कैसा लगता है मेरे लिए खाना बना के? बहुत अच्छा लगता है। तो ये बनाते हैं और मैं नखरे दिखाती हूँ इनको, क्यों चाहिए खाना, ये खाना, और ये मेरी नखरे पूरी करते हैं और ये मेरे लिए खाना बनाते हैं। इस इंटरव्यू में क्या बोलना ये भी इन्होंने ही मुझे बताया, और हर इंटरव्यू में मुझे कितना बोलना चाहिए यही बताती है मुझे। शी इज़ माई बैक बोन, आई डोंट नो कि मैं इनके बिना क्या करूँगी। सो या शी इज़ माई मॉम। ये मतलब एक्टिंग को लेके सी इज़ वेरी पैशनेट एंड वेरी सिंसियर ऑल्सो अबाउट हर वर्क, तो ये पार्ट मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है। मस्ती के साथ साथ सी इज़ सीरियस अबाउट हर वर्क ऑल्सो। श्रुति को तो देख लिया, अब आप देखना बुलबुल को, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बुलबुल आपको पसंद आएगी, आपके दिल को छुएगी। तो ये कॉन्सेप्ट वीर और बुलबुल का है। तो बुलबुल एक राजस्थान की लड़की है जो काफ़ी ज़्यादा चुलबुली है और बहुत मस्तीखोर है, और उसे लगता है कि उसकी मम्मा को ये लगता है कि अगर किसी झूठ से किसी का भला हो तो वो झूठ बुरा नहीं है, और वो बहुत मस्तीखोर है, सबसे बहुत प्यार से रहती है और उसे सब अपने लगते हैं, और वही वीर को झूठ से बहुत नफरत है। मैं जिस किरदार को प्ले कर रहा हूँ, जिसको झूठ से बहुत नफरत है, जिसकी ज़िंदगी में उनकी एक जर्नी, एक कहानी रही है जिसकी वजह से वो ऐसे हैं, उनको झूठ से सख्त नफरत है, उनको झूठ किसी भी वजह से जायज़ नहीं लगता। काकोसा कितनी बार मांगोगे डायलॉग? टीवी पे देखो ना, इतनी बार बोल दूंगी तो आप क्या देखोगे टीवी पे? टीवी पे देखो हमारा शो 3 जनवरी से कलर्स पे, सोमवार से शुक्रवार मेरा बालम थानेदार। यस। ABP News, आपको रखे आगे।